अर्चना जी, हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। पता नहीं जितने स्पॉन्सर कपड़े आप पे जचते हैं ना, आई मीन कपड़े आप पे जो इतने ब्यूटीफुल कपड़े आज तेरे जूते जच रहे, बहुत माइंड ब्लोइंग है। ओह थैंक यू बेबी, आई स्वेर यार, क्या टेस्ट अक्वायर किया तूने अपनी वाइफ से, माइंड ब्लोइंग है। हाँ, जितना बजट उसको मिलता है ना, वो 5 गुना ज्यादा खर्च कर देती है, मेरी जेब से नुकसान होता है। तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, परिवार को कभी धंधे में मिक्स नहीं करने का। अच्छा नहीं, आप भूतों में बिलीव करते हैं आप? नहीं, भूत से बात हुई थी, वो तो आप में बड़ा बिलीव करते हैं। नहीं नहीं, मजाक नहीं, आप चैनल वाली लड़की से पूछ लो, कहीं तो फ्रीक्वेंसी करके उन्होंने चैनल को बोला कि अर्चना जी से रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं। क्या? एक सीनियर भूतनी बोल रही थी कि रात को 11 बजे के बाद थोड़ा कम हंसे तो अगर हमारे बच्चे डर जाते हैं। अच्छा, हमने तो फिल्मों में भूत देखे हैं आज तक, और क्या क्या दिखाते थे आप? देखो, हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों में एक हवेली दिखाते थे जिसमें भूत रहता था, वहां पे दोस्तों का एक पूरा ग्रुप जाता था, है ना, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई कॉमेडियन है, कोई डांसर है, ऐसे, और भूत एक एक करके सबको मारता था। दो लोगों को छोड़ देता था, एक तो पहले चौकीदार को जो लालटेन ले खड़ा रहता ना बुड्ढा, 40 साल से यहाँ कोई नहीं आया साहब, 40 साल से नहीं आया तो तू लालटेन लेके खड़ा किसको, किस लिए खड़ा है, उसको भूत कुछ नहीं कहता था। दूसरा कॉमेडियन को छोड़ देता था, वो कॉमेडियन बाथरूम में जाता, अरे ये कौन है, निकल जाता था, क्योंकि भूत को भी पता था कि भाई कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम है, डरा तो कोई भी लेता है। अच्छा, भूतिया फिल्मों में एक तांत्रिक भी होता था ना, जो ताबीज देख के कहता था ना कि जब ये ताबीज तुम्हारे गले में होगा बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर भूत स्कीम लगाते थे, वो अपने गैंग की मोना डार्लिंग को भेजते थे कि तू जा बिपाशा बसु बन के, फिर तबीज तो क्या आदमी अपनी कमीज भी उतार देता। अच्छा, जो भूतों वाली फिल्में होती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो भूत या चुड़ैल जो भी होती है उनकी आवाज एकदम से हस्की हो जाती है ना पहले, कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, कच्चा चबा जाऊंगी तुम्हें, लेकिन जब गाना गाने लगती है तो सडनली पता नहीं कौन सा काढ़ा पी के आती है और उसके पीछे पीछे हीरो खींचा चला जाता ना, कि जैसे हीरो नहीं है ये इंडियन आइडल का जज है, और उसको जाके बोलेगा कि इतनी खूबसूरत आवाज तुम हवेली में कहां पड़ी हुई है, तुम चलो इंडियन आइडल मेरे साथ, तुम मुंबई आ सकती हो। कई हवेलियों में तो ना भूतनी आधी रात को जवान मर्दों को घुंघरों की आवाज से खींचती है, आदमी सोने की तैयारी कर रहा था, सडनली आवाज आती, हाय हाय, आदमी पीछे पीछे चला जाता ना, हाँ। आदमी पीछे पीछे चला जा रहा है, सडनली एक हवेली में घुसता है, हाँ। खूबसूरत नर्तकी खड़ी है, हाय हाय, आओ राजकवि श्याम सुंदर, ये महफिल कब से तुम्हारे इंतजार में है। फिर श्याम सुंदर हाथ जोड़ के बोलता था, माफ करना चंद्रवती जी, इस जन्म में मेरा नाम सुनील मंडल है और मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, दिवाली का टारगेट पूरा करने घर से निकला हूँ, क्यों घुंघरू बजा बजा के मेरा फोकस खराब कर रही है, मैं आपकी सभा में बाद में आऊंगा, अभी चटनी के लिए धनिया लेके जाना है, तुम्हारी बहन घर में इंतजार कर रही है। स्मॉल टाउन्स होते हैं, छोटे शहरों में कोई भूतिया फिल्म देख के लेट नाइट शो निकलता ना कोई आदमी, सीधा घर पहुंचते हैं, वो बाथरूम भी आया था ना, हिम्मत नहीं होती किसी की करने की, क्योंकि उसको पता जिंदगी एक है, ये बचाओ, बाथरूम तो रोज आता है, फिर किसी दिन कर लेंगे। और हॉरर फिल्म में देखने आते ना 5-6 दोस्त, तो जिनके घर पास पास है वो तो सब छूट गए, अब जिसका सबसे लास्ट में आता वो अकेला रह गया, वो फिर अपना डर भगाने के लिए ना पहले तो स्पीड तेज करता है, भगवान भी उसको याद आता है, फिर वो गाना गाने लगता है ना तेज तेज चलता हुआ, कि ओहो हो पीछे पीछे भी देखता जाता है, मुसाफिर ओए, डरा होता है आदमी। और फिल्मों में आप देखना हीरो से ज्यादा ना भूत की एंट्री का बिल्डअप होता है, पहले बिजली चली जाती है, कुत्ते के रोने की आवाज आती है, आदमी घबरा जाता है, फिर अजीब से साउंड के साथ दरवाजा खुलने की आवाज आती है, कप्पू, अरे आप कप्पू, आप यहां कपू, एक बात बताओ जी, तुम भूतों से डरते नहीं? देखो जी, भूतनी अगर कैटरीना कैफ हो तो आदमी मैनेज कर ही लेता है, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है, दिन में 3-4 बार अगर मुझे आप डराने आ जाए तो मजा आ जाए। कपू, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ। मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ, छुटकी। आप 5 मिनट खड़ी रहे ना, मैंने खुद ही दे देनी अपनी जान। मजा आ गया देख के। भूतों को देखकर नॉर्मली लोग मतलब दूर भागते हैं,
वो तुलसी राम से के भूत होते हैं जी. ऐसा भूत हो तो आदमी खुद उठ उठ के कब्रिस्तान जाए. आई नहीं मैडम. वाओ क्या बात है शर्मा जी. ये कौन आ गया? छुप जाओ आप ही छुप जाओ. हेलो कप्पू, तुम मुझसे डरते नहीं, मतलब इससे ही क्यों डर रहे हो? अरे भूत तो कभी कभी दिखाई देते हैं. ये दो साल से तेरी पड़ी हुई विद फैमिली. शर्मा जी किससे बातें कर रहे हैं? मैं किसी से भी नहीं, ऐसे ही बस एंजॉयिंग या विद ऑडियंस. शर्याम झूठ बोले, सामने कटरीना खड़ी है. तो स्वागत करो मालकिन का. मालकिन? हाँ. वेलकम कटरीना, वेलकम वेलकम वेलकम. तो दोस्तों फोन भूत से, खूबसूरत कटरीना तो हमारे साथ है ही. अब इनके साथ काम कर रहे को एक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट करते हैं जिन्होंने बड़े ही मजेदार किरदार निभाए हैं. आप सबकी जोरदार ताली के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धांत चतुर्वेदी एंड मिस्टर ईशान खट्टर. हेलो सिद्धांत. हेलो ईशान. हेलो. सो नाइस टू सी यू टू बॉयज. हां पर ये बात वो आपको नहीं बोलेंगे. क्यों? आप दोनों को मुझे देख के खुशी नहीं हुई? मैं तो आपको बाहर से देखते आ रहा हूँ. मैं तैयार हो रहा था, मैंने देखा दूर से इतनी सुंदर, ये कौन है? नीली नीली. तो पास जाके देखा तो यही थी. Are you jealous? शर्मा जी? नहीं, आप प्लीज ले जाइए इनको अपनी फिल्म में. वैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को, हमारी शादी को दो साल हो गए लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है, तो ये भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ. कभी कभी हम सुनसान सड़क पे जाते हैं, हमें नहीं लगता पीछे आ रहा है. होता कोई नहीं, वहम होता है. वैसे इस बहन जी को वहम हो गया मैं इनका पति हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. आप बताओ हमारे कपड़े मिलते हैं? कभी भी नहीं. कैसे कपड़े? एक सेकंड, तुमको ना विकी कौशल से कुछ सीखना चाहिए, कितना प्यार करता है अपनी बीवी को. सीखो कुछ. तो इनसे तो करेंगे ही. विकी को बोलो हिम्मत है तुम्हें करके दिखाए. आपको हो क्या गया है? कहां गया वो रोमांटिक कपूर शर्मा जिससे मैंने प्यार? निकल गया वो, बॉर्डर क्रॉस कर गया. सुना नेपाल रहता है आजकल, वो है ही नहीं इधर. एक जमाना था ये मेरे लिए ना शादी से पहले रोज फूल लाता था एवरी सिंगल डे. वो तो मुंह ही गमले जैसा, मुझे लगा खाली अच्छा लगता फूल लगाते. कपिल, करवा चौथ के दिन में वो मैम के लिए आपने फास्टिंग की? ये फास्टिंग विकी ने किया मेरे लिए. एक मेरी बीवी है जो अंधेरी में रहती है, उसके लिए मैंने रखा था. जो मुझे नए नए कपड़े पहना के भेजती है. इसको तो अपना मेकअप करने में टाइम नहीं इसका निकलता, अब खुद ही तैयार होने में लगी रहती, कभी इसने पूछा भी नहीं मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया. अब मैं क्या क्या बताऊं, बट हाँ जो विकी और आपकी शादी में लाइक आपने इतनी प्राइवेटली शादी की थी वो सिमिलैरिटी हम शेयर करते हैं क्योंकि शर्मा जी और मैंने भी प्राइवेटली शादी की. इतनी प्राइवेटली की सिर्फ इसी को पता हुई, दूल्हे को भी नहीं पता. झूठ बोलती है ये, कौन मानेगा? कोर्ट में लेके जाऊंगी ना तुम्हें. कोर्ट में बाद में लेके जाना, तुम्हारा ताऊ अंदर पेटी कोर्ट में घूम रहा है, उसको बोलो कपड़े चेंज करे. इनके ताऊ और ताई आए हुए हैं, मैंने कहा दो दिन से आपने कपड़े नहीं बदले, चेंज कर लो. उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिए. शर्म नहीं आती लोगों को, इतना परेशान करके रखा है इन्होंने. मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है. एक तो आपकी बीवी अंधेरी में है, एक अंधेरे में रह रही है. गलत बात है सर, आपके घर में मेहमान आए हैं और आप डोमेस्टिक झगड़े कर रहे हैं. भाई अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना तो सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा. एक जमाना हुआ था हम कहीं घूमने गए थे, इसको फिल्म दिखाने ले गया, साथ में इसके पिताजी आ गए, 80,000 रुपए के पॉपकॉर्न खा गए बुड्ढा. हाँ, इंसान की बॉडी में 70% पानी होता है, इसके बाप की बॉडी में 90% पॉपकॉर्न निकले. ऐसे तो लोग हैं ये लोग, परेशान करके रखा है मेरे को. यार तुमको बड़ा मेरे घर वाले पसंद क्यों नहीं आते तुमको? मुझे तुम भी पसंद नहीं आती हो. एक्चुअली यू नो व्हाट, इनके साथ बहस करूंगी तो हम लोग सब ऐसे खड़े रह जाएंगे. आप लोग प्लीज बैठिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म. मैं चलती हूँ, घर के कुछ काम भी करने होते, तुम्हारे साथ तो दिन चला जाएगा. आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए. फोन भूत की स्टार कास्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और कैटरीना के लिए एक्स्ट्रा तालियां, वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद पहली बार हमारे शो पे आ रही हैं. बहुत बहुत मुबारक आपको. कैटरीना एक बात बताइए, आपकी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है, पंजाबियों की तो सुबह शुरू नहीं होती पराठे के बिना. हाँ, तो आप भी पराठे पे आ गई हैं कि आप उनको अपने मेन्यू पे लेके आ गई हैं ससुराल वालों को? नहीं अभी, मतलब शुरुआत में मम्मी जी मुझसे बहुत पूछते थे बेटा जी प्लीज परांठा खाइए परांठा खाइए, तो मैं पूरा डाइट पे हूँ ना, हम तो करना पड़ता है. करेक्ट? नहीं वो नहीं करती उनका. इनके तो अभी काउंटर के पीछे देखोगे एक रम की बोतल, चार आलू के पराठे पड़े होंगे.
वैसे भी आजकल आप बहुत ज्यादा फिट लग रहे हैं. ओह थैंक्स. अभी आई हैव टू टेक डाइटिंग टिप्स फ्रॉम यू. बीवी खाना देती नहीं इसको अब. शी हैज सेड दैट इज द ओनली वे ही इज गोना लूज वेट. है ना? लेकिन आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही हैं? आप सेट पे पंजीरी लाती थी याद है? हाँ, पंजीरी? पंजीरी? पंजीरी बनाने सीख गई हैं? पंजीरी? नहीं नहीं मैंने नहीं बनाई. विक्की की मम्मी ने बनाई होगी. विक्की की मम्मी ने उनके लिए मतलब मेरे लिए सब मम्मियों को पंजीरी बनानी आती. मेरी माँ ने बड़ी बनाई. लेकिन अभी मतलब ऑलमोस्ट एक साल हो गए ना हमारी शादी, तो अभी मम्मी जी मेरे लिए वो स्वीट पोटेटो बनाते हैं. सिखा दिया आपने की मुझे डाइटिंग पे रखो आप. नहीं अच्छी बात है, आपने फिल्मों में काम करना है, बहुत अच्छी बात है. सिद्धांत और ईशान जो है, ट्रेलर देखा होगा तो आपको इनकी और कटरीना की बॉन्डिंग बड़ी कमाल की लग रही है. तीनों की एक टीम है जिसमें ये भूत पकड़ने जाते हैं. अच्छा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग के बावजूद भी इन्होंने आपको अपनी शादी पे नहीं बुलाया, क्यों? ओके, मतलब ऑब्वियसली ये शूटिंग में बिजी होंगे, वरना मैं जानता हूँ विक्की को जिसको बुलाना है उसी को बुलाना है. आपको पता है मैं आपकी शादी पे आने वाला था, निकलने लगा, मेरे को याद आया मेरे को तो कार्ड ही नहीं आया, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. नहीं एक्चुअली ये कोविड की वजह से ओनली 80 पीपल और एक पंजाबी फैमिली. अब सोचो तो जैसे कि आप कह रहे थे हमारी बॉन्डिंग बहुत करीबी है जी. इतनी करीबी 80 लोग में से हम 80 में नहीं आते. लोग मतलब ये तो फैमिली में मतलब खत्म. एक्चुअली पंजाबी शादियों में तो 120 लोग तो वैसे ही घुस जाते हैं और आपने बुलाए 80. पर बड़ा मजा आया आपकी शादी की पिक्चर्स देख के और दिल से मुबारकबाद आपको. आपने एक्चुअली लाइफ में पहली बार हॉरर फिल्म की है. आपने सोच के रखा था कि शादी के बाद करूंगी ताकि फिल्म करके घर जाऊं तो अकेले डर ना लगे कोई हो साथ में, ये आपकी प्लानिंग थी? नहीं एक्चुअली ये शादी के पहले ये वी फिनिश्ड शूटिंग दिस फिल्म. ओके, सो इट वाज नॉट अ दैट काइंड ऑफ अ प्लान्ड डिसीजन. बट एक्चुअली ये हॉरर फिल्म से ज्यादा ये कॉमेडी फिल्म है और मेरे लिए मतलब कॉमेडी मेरे सबसे फेवरेट जॉनर है. आपको नहीं लगता कि जो लोग भूतों से डरते रहे हैं आपको एज ए भूतनी देख के वो भूतों से प्यार करना शुरू कर देंगे? लोगों को लगेगा हैं ऐसी होती हैं भूतनियाँ तो चिमट जाओ हमें. सिद्धार्थ आपको पता है बच्चन साहब हमारे शो में दो ही बार आ पाए हैं और आमिर खान साहब को तो एक बार भी मौका नहीं मिला, आप तीन बार आ गए हैं. अब तो आपने अपना प्राइस बढ़ा दिया होगा. ये जो आपने जूते पहने बड़े स्मार्ट है, तो आप जीतू जी के घर गए थे कि वो आए थे देने आपको? चुरा के लाए हमें से. अच्छा फिल्म में आप दोनों को भूत दिख रहे हैं जी. आप बचपन में कभी कभी होता ना मेरे को कहानियां सुनाता भूतों की, हम मान भी लेते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कभी बचपन में? हाँ एक कहानी सुनाई जाती थी कि अगर आप आईने के सामने जाके तीन बार किसी भूतनी का नाम ले लें तो वो प्रकट हो जाती है. तो आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कटरीना 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 कहने की बार बार. प्रकट होती है? हाँ वो तो गई. सिद्धांत हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपको होटल के कमरे में अकेले सोने में डर लगता है जी, तो ये सच्ची डर लगता है कि स्ट्रेटजी बनाई है कि ऐसा बोल के किसी को ले भी जाऊं तो पकड़ा जाऊं तो बोल दूं अरे नहीं नहीं मेरे को तो बताया था ना डर लगता है, तो डर भगाने के लिए साथ में आए हैं? नहीं नहीं मुझे डर लगता है. सीरियसली डर लगता है आपको? सच में डर लगता है अकेले सोने में. तो मैं या तो टीवी शुरू कर देता हूं, लाइट्स ऑन, टीवी लाइट्स ऑन, कपिल पाजी का शो शुरू कर देता हूं फिर सो जाता हूं. क्या बात है यार. जैसे आप किसी माहौल में रहते हो ना जब कि आप हॉरर फिल्म शूट कर रहे हो, भले ही कॉमेडी कर रहे हो लेकिन ऐसा सेट होगा, हो सकता है कहीं सुनसान जगह पे भी आपने शूट किया हो, तो मन में एक ना कभी कभी आ जाता है विचार कि कुछ पर्दा हिला तो आदमी को लगता है कोई आ तो नहीं गया, ऐसा आपको कभी फील हुआ शूट करते वक्त? शूट करते वक्त तो नहीं, लेकिन शूट करते वक्त तो नहीं मेरे साथ. मैं बताता हूँ क्यों, कमरे में अकेले रहने से मुझे डर लगता है. सुनिएगा जरा. लैपटॉप में फिल्में देखता रहता हूँ अक्सर, रात को लाइट्स ऑफ करके अगले दिन छुट्टी होती है तो मैं बैठ के आराम से फिल्में देख रहा था. मैं हॉरर फिल्में देखता जरूर हूँ. अच्छा, डर तो लगता ही है लेकिन देखता बहुत हूँ. तो मैं लाइट्स बंद करके अपना कंबल ऐसे ओढ़ के लैपटॉप खोल के देख रहा था. अब फिल्म में एक ट्रांजिशन आता है ना, मतलब तो ब्लैक होता है स्क्रीन, तो मुझे लगा स्क्रीन में से कोई मुझे देख रहा है और मैं जितना करीब जाऊं वो उतना करीब आ रहा है और करीब आ रहा है और करीब. मैं डर के उछला हूं, पता चला कि मेरा खुद का रिफ्लेक्शन था वो. कंफर्म कर लिया, फिल्म ही देख रहे थे कि किसी के साथ वीडियो चैट कर रहे थे? अच्छा ऐसी फिल्म, स्पेशली जब आप ऐसी फिल्म शूट कर रहे हो तो आसपास वाले लोग डायरेक्टर या को एक्टर प्रैंक भी करने लगते हैं ना, जैसे आपने अक्षय पाजी के साथ फिल्म की वो बड़े प्रैंक करते हैं. वो मतलब बहुत अच्छा प्रैंक्स करते हैं. मैंने आपको बोला ना मेरे साथ क्या किया एक बार, तो च्युइंग गम वाला प्रैंक आपको पता है ना? हाँ. तो एक ऑफर करते हैं ना, च्युइंग गम चाहिए ले लो च्युइंग गम. हाँ, इलेक्ट्रिक करंट. तो मैंने बोला हाँ ये बहुत अच्छा है
दे दो मुझे। हमारा डायरेक्टर आ गया। एक सेकंड, सॉरी। ये किसी भूत ने गिराया है। आज तक किसी भी शो में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे झुमका गिरा। आपकी नजर लग गई है। आपकी नजर थी ना कटरीना के झुमकों पे। कटरीना पर तो नजर तेरी है, मेरी तो रहेगी सिद्धांत। हमारी भाभी जी है वो। क्या बात कर रही हैं आप? सडनली भाभी जी हो गई। हाँ विक्की मेरा भाई है, आई लव हिम। अच्छा तो बाकी जिनके साथ तू फ्लर्ट करता है उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो तेरे भाई नहीं होते? जिन जिन की शादियां होती जा रही है वो लिस्ट में से मैं निकालता जा रहा और खुद की शादी हुई तो अपने आप को भी लिस्ट से हटा। देखिए मैं ना एक ऐसा वाहिद इंसान हूँ, थोड़ा सा कई लोग होते बताते नहीं है, मैं ऐसा हूँ बता देता हूँ, सेफ भी रहता आदमी। कल को कर पकड़ा भी गया तो मैं बीवी को बोलूंगा मैंने बताया था। तो अक्षय ने मेरे साथ किया, मुझे वो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा जोक है, बहुत अच्छा जोक है। अभी हमारा डायरेक्टर आ गया सामने, मैंने बोला दे दो मुझे मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने डायरेक्टर साहब को बोला भाई च्युइंग गम चाहिए? हां थैंक यू कैटरीना, ऐसे बोला करंट लगा। कैटरीना दैट्स नॉट फनी, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर गया, मैंने बोला ठीक है, इसके बाद आई एम नॉट डूइंग एनी प्रैंक्स ऑन एनीवन। और बोलो पांच छह लाइनें अच्छी लग रही है आपको। अच्छा ये कहानी सुना रही थी, मैं सोच रहा था कि कैटरीना आपको किसी को करंट देने के लिए च्युइंग गम की क्या जरूरत है। अपनी उम्र से आगे चल रहे हैं भाई साहब। इतना शरारती लड़का मैं नहीं मानता ब्रो, यू आर सिंगल। तो शरारती हूं इसलिए तो सिंगल हूं। ये भी पॉइंट है, वेरी डीप पॉइंट, वेरी डीप। अरे उदय भाई उठो ना। अरे अरे पड़ा रहा फिर तू इधर ही। अरे एक मिनट मजनू इधर। सुबह से ना आलू बिका है ना बिका है आधा कैदा। आलू ले लो। आलू दे दो। क्या कर रहा? कांदा ले लो। कांदा दे दो। क्या कर रहा है मजनू? मैं ले लो कह रहा हूँ, तू दे दो कह रहा है। अरे भैया आप सालों से ले लो करके बेच रहे, कोई लेता ही नहीं है। तो मैंने सोचा दे दो बोल के देता हूँ, क्या पता कुछ दे ही दे। ये हमारे मोहल्ले के हैं फर्स्ट कॉपी उदय और मजनू के। फर्स्ट कॉपी नहीं है, हम वेरीफाइड हैं। इसका केवाईसी हो चुका है। और भैया का पीयूसी हो चुका है। पीयूसी हुआ है मेरा। बता दे 500 सीसी का इंजन लगा है, मेरे कार्बोरेटर में कचरा फंसा है, बता दे। अरे बॉलीवुड से हैं, आरटीओ से नहीं है ये। संजना कैसी हो? संजना कौन? देखा कुछ टाइम लिया, भाइयों को भूल गई है। सिद्धांत जी आपसे मेरा एक सवाल है जी। जैसे जो ये ऑक्टोपस होता है, ये खाना खाने से पहले दोनों हाथ धोता है कि सारे हाथ धोता है? अबे झापड़ी के भैया ये क्या ऑक्टोपस वाली बात है पूछ रहे हो तुम? अबे गहराइयों में काम किया है उन्होंने। तो गहराइयों का उन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? क्या बात है भैया, क्या बकवास करते हो आप? क्या कहे तूने? भैया सुनो ना हमारी बात को, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया भैया, मरे जानबूझ के नहीं क्या हुआ? नहीं नहीं मजनू नहीं भैया, प्लीज सॉरी भैया। नहीं कोई सॉरी नहीं, नो माफी, नो अपोलॉजी। अब भूल गया तू, इतना सा था जब तू पैदा हुआ था। अरे कैसी बातें करो, मैं बच्चा था कि पौआ था ऐसा कर रहे हो? बच्चा नहीं था तू, तू सांप था, आज डसा है मेरी छाती में तू। अच्छा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंट्रोल उदय कंट्रोल। संजना ये बिगड़ गया है, तुम्हारी शादी के बाद मैं इसकी शादी करा दूंगा। अबे झापड़ी के उनकी शादी हो चुकी है। शादी हो गई संजना, हमें बताया भी नहीं। अरे भाई होने के नाते बुलाते, हमारे अरमान थे कि जीजू घर आएंगे, हाथों में हमारे हल्दी लगेगी, जूतियां चुराएंगे। क्या किया? अरे अब भैया ये क्या बोल रहे हो,
ये सारी चीजें सालियां करती है, सालियां करती है सारी चीजें। भगवान का दिया सब कुछ है, घाघरा है, चोली है, मेकअप है, तुम क्या लगातार साली ही बनना है? अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? छी, हमने तो ये डिसाइड किया था, ये वाला ठुमका ये करना है। तो आपके यहाँ अगर शादी हो जाए, ईशान जी आपकी शादी हो, आपको सालियों की जरूरत तो हमें बुलाइए। अच्छा। मैं बड़ी साली बनता हूँ या छोटी साली? अच्छा भैया एक बात सुन लो मेरी आप। हाँ? संजना की शादी हो चुकी है, अब दोनों भाइयों का वक्त आ चुका है कि उसे फर्ज अदा करें। हाँ ये बात तो सही है। ये संजना ये मेरी तरफ से शगुन है, कपिल तुम भी हाथ लगा दो। क्यों हाथ लगा दूं? लगा दूं, लगा दूं। जब दोनों भाई हैं तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो खाली है। खाली नहीं है ये, उसमें हमारी मजबूरियां लिखी हैं। ईशान भाई कहिए, सुबह से ना आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा। भैया कैसी बातें कर रहे हो, आधा कांदा बिक चुका है, मैंने ही बेचा है। तूने बेचा नहीं है मजनू, तूने आधा कांदा खाया है, मुझे पता चला है। ऐसी बातें कर रहे हो भैया? छी सॉरी भैया। कोई बात नहीं। संजना एक बात और, मैं भैया की तरह एड़ा नहीं हूँ जो खाली लिफाफा ला के दे दूंगा। मैंने आपकी पेंटिंग बनाई अपने हाथों से, वो मैं लेके आता हूँ। हाँ यह पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है संजना, कलाकार है। और हाथ की सफाई है और कुछ भी नहीं है, कला और क्या है, धीरे धीरे आ ही जाता है। संजना कहाँ है? वो बैठी है। एक मिनट, पेंटिंग में संजना कहाँ है? अरे जब वो सोफे में बैठी है तो पेंटिंग में कैसे आएगी? इड़ा हो गया है थोड़ा, मुझे पेंटिंग में संजना चाहिए। आ तो इड़े ऐसा बोलना, बैठ जा। ये थोड़ा ये देख, ये देख। अरे इतना अच्छा बनाया, बीच में कोई आया था अभी। ये कितना अच्छा बना, बिल्कुल असली संजना लग रही है। ये तेरे हाथ की सफाई है मजनू। सफाई हाथ तू की? सच में इस बात पे तोहफा तो बनता है। अरे शुक्रिया भैया। तो कब देगा? मैं आपसे बिल्कुल नाराज हूँ भैया, एकदम नाराज हूँ। एक मिनट मजनू, मजनू क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ। चल निकल फिर। तो अरे भैया आपको मुझे मनाना है। तू नाराज हो गया है? हाँ नाराज हो गया मजनू। हाँ। तो निकलना, मेरे सर पर क्यों खड़ा है? यहाँ से। भैया मैं सच में बहुत नाराज हूँ आपसे, मुझे रोना आ रहा है। कैसे मनहूस तरीके से रो रहा है? ऐसा रो जैसे सब नॉर्मली रोते हैं। अरे भैया ऐसे झापड़ी के रोते हैं, नॉर्मल ऐसे रोते हैं। ऐसा झापड़ी के रोते हैं तो तेरी आंख में आंसू क्यों नहीं है? अब नहीं आया तो मैं क्या करूं? तो यही कलाकारी है, यही कलाकारी है। भैया तमीज से, यही कलाकारी है, क्या होता है? आंसू निकालना कला है, ये किसी एक्टर से ही हो सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। क्या है 5 सेकंड में आंसू निकलते हैं संजना, ये देख, सीख मुझसे। हाँ दिखाओ। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 5 ये कला है। अबे झापड़ी के ये लगा के तो कोई भी रोलेगा। कैसे लगा के रोलेगा, मैं दूंगा ही नहीं। अच्छा है। भाई वैसे संजना जैसे तुम्हारी शादी हुई है, करता क्या है लड़का, पेंशन वेंशन तो लग जाएगी ना उसकी? अरे वो सुपरस्टार है विकी कौशल,
विकी कौशल? अरे भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है विकी के पास, उसे बोले मुझे गोद ले ले। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप, शर्म आती है मुझे ऐसा सुन के। उनको बोला मुझे भी गोद ले ले। कैसे कैसे गोद तो बच्चे को लेते हैं, नाना का थोड़ी। भाई ये बात पता की क्या गए दिल पर ठक्कर लगी है मेरी। उदा भैया सुनो ना, चिंता रुक जा। अरे भैया सुनो ना, पता सब अपने ही है। अरे मुझे बात करनी, सुनो ना। करते हैं। अबे झापड़ी उठना। अरे भैया बात यह कि संजना की शादी हो चुकी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। कैसी बात कर रहा है तू, हम शादी नहीं कर सकते, हम भाई हैं पगले। ये नहीं हो सकता, क्या ये नहीं है? ये कैसी बात की तूने? नहीं क्या, 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 क्या बात है? अरे मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। नहीं, ये गलत कर रहा है। अरे तू गलत कर रहा है, नहीं हो सकता। अरे उदय भाई मैं आपस में शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की से शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा लड़की, फिर तो मेरी तरफ से हाँ है, कौन है? मैंने उसकी पेंटिंग बनाई, अभी लेके आता हूँ। दिखा दिखा, यह है, प्यार बड़ा करता है संजना मुझसे, बचपन से ही जुड़ा है। और यही है बड़े भाई की शादी की इतनी उसको फिक्र है। ओहो, ओहो, यही दिमाग खराब हो गया है तेरा, चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा मैं। भैया वो भी यही कह रही थी। तो जब दोनों मना कर रहे हैं तो क्यों करवा रहा है शादी? अरे, मना कर दे, मैं शादी नहीं करना। ऐसे कैसे मना कर दो, मैंने चुड़ैल से एडवांस ले लिया है और मैंने शादी के लिए कब्रिस्तान बुक कर लिया है और कल तो चुड़ैल भाभी की उल्टी मुजड़ी भी आ रही है। रुको भैया आप कुछ ढूंढ रहे हो, मैं लेके आता हूँ। लो भैया। हाँ जरा सामने, अगर तुझे शादी करनी ही है तो बता गोली कैसे खाएगा, पानी से या बंदूक से? अरे भैया ये बंदूक तो नकली है। नकली नहीं है, ये नकली लग रही है, देख नकली। असली है, पैर तड़प रहा है मेरा। अरे भैया ये सब नाटक है आपका। तो फिर ले तू भी कर। अरे ये क्या किया आपने? इसी बात पहले ठीक नहीं किया, सही करता हूँ। अरे भैया आया मजा। एक बात बता, किसकी साइकिल में हवा भर रहा? अरे भैया आपने ठीक नहीं किया, आपने गोली क्यों मारी? क्योंकि मुझे अब तू चुड़ैल से शादी कराएगा तो बारात में भूत भी तो चाहिए, बनाऊंगा मैं तुझे यार। अरे नहीं भैया, अरे आप सब अपने फैंस के लिए कुछ फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स करती है, आपको कुछ कमेंट्स दिखाते हैं। आइए सिद्धांत, आप यहाँ पे आके देखना चाहते हैं तो इधर भी आ सकते हैं। ओहो जीते रहो, खुश रहो। कैटरीना ने ये फोटो डाला है और ये सनी है, सनी। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जब भाई कैटरीना जैसी भाभी ले आए तो भाई के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। देवर, अगर भाभी के सामने संस्कारी हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसे भाभी की किसी बहन या कजन में इंटरेस्ट है। और दिखाइए। सत श्री अकाल कैटरीना जी, आप सिर्फ कौशल परिवार की ही बहू नहीं है, आप पूरे पंजाब की बहू हैं। आप जब भी पंजाब आए बता देना, आपका रहना खाना पीना शॉपिंग सब फ्री, मोगा से दिलजीत। किसी ने रिप्लाई किया, चाचा पहले मेरे 1500 तो वापस कर दो। हाँ जी और दिखाइए। ओहो आग लगा रहे हो भाई साहब। शूटिंग फॉर समथिंग स्पेशल एंड फन, किस चीज की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फन हुआ? लिखा आपने शूटिंग फॉर समथिंग, बॉडी बस्टेड बट द माइंड एंड स्पिरिट रेसिंग, बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। अरे ये जवाब मैं दे दूंगा, शूटिंग मेरी हो जाएगी सर। ओके चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। कुणाल खेमू ने लिखा है, चलो बिस्कुट आ गए चाय मंगा लो।
जब मोबाइल महंगा हो तो उस पर कवर लगाना पड़ता है, खुद भले ही नंगे घूम लो। सच्चे वचन। इनकी गर्लफ्रेंड ने गले में चेन डाल के पीछे ताला मार दिया है ताकि कोई और इनके गले ना पड़े। इसीलिए मेरी मम्मी मुझे बाथरूम में फोन नहीं ले जाने देती, काम 10 मिनट का होता है 1 घंटा लग जाता है। और दिखाइए। सिद्धांत ने फोटो डाला, मेरे यार की शादी है, भव्य 2.0, कांग्रेचुलेशन भाई, किसी का तो प्यार अपने मुकाम पर पहुंचा। जिस तरह इन्होंने दूल्हे को उठाया, लगता है वो मुकाम तक पहुंचने से पहले टल्ली हो गए। इनकी शादी खुशी से हो रही है या जबरदस्ती हो रही है? और दिखाइए। बैक टू द जिम। कैटरीना, ये मैंने बहुत बार देखा ऐसे लड़के, ये एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं जो ऐसे करते हैं? एवियो पिलाटिस, एवियो योगा भी करते हैं इस पे, आजकल बहुत लोग करते हैं जिम में। आपने किया अर्चना जी कभी? मैंने कोशिश की, वो पूरा नीचे आ गया। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। आपकी फोटो देखकर याद आया, मैंने भी बाहर ऐसे ही दुपट्टे में पनीर टांगा है। पनीर? आपको पता है कैटरीना, पनीर बनता है ऐसे, दूध फट जाता है तो उसको दुपट्टे में बांध देते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें पनीर भी बन सकते हैं इसमें पनीर। मैं यास्मीन को बोलती हूं। आज मुझे पता चला, साल भर जिम जाने के बाद भी मेरी बीवी का वेट कम क्यों नहीं हुआ। उसको लगता है बैठ के आ गई। दोनों बैठकर झूले को धक्का देने वाले का वेट कर रही हैं, लेकिन वो इस वक्त फोटो खींच रहा है। लगता है इन्होंने डिस्काउंट पे चादर खरीदी है, अब चेक कर रही है फटेगी तो नहीं। और दिखाइए। ओहो, लिफ्ट ऑफ, ये क्या आगे वर्ड क्या है? अरे वो आर्टिस्ट का नाम है सर, गाने का नाम है। अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्होंने टाइगर श्रॉफ वाला प्रोटीन खा लिया। स्पाइडरमैन भी लाइक, तुम भी उछलोगे तो मैं क्या जॉब छोड़ दूं? इतना उड़ ही लेते हो तो फ्लाइट का टिकट काहे लेते हो? बहुत बढ़िया, कमाल, धमाल, जबरदस्त है आपका दर्जी, वरना आपकी पेंट फट भी सकती थी। दिखाइए जरा और। फ्लैशबैक टू ड्रीम्स, कपल ऑफ इयर्स बैक एट ए टपरी आउटसाइड यशराज सिपिंग ऑन ए कटिंग विद ड्रीम्स एंड चाय ब्रूइंग अराउंड टू माय फ्रेंड, प्लीज टेक ए पिक्चर, आई विल पोस्ट इट व्हेन डू अ यशराज फिल्म। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, क्या बात है यार। ये कितने साल पहले की फोटो है सदाम? ये करीबन 7-8 साल पुरानी पिक्चर है यार। ये होता है कॉन्फिडेंस, बंदे को पता था कि मैंने ये फोटो तब डालूंगा जब मैं यशराज की फिल्म करूंगा। तो ये किस्सा अच्छा। ऐसा है कि मेरा एक दोस्त काम करता था यशराज में, तब हम लोग ऑडिशन दिया करते थे स्ट्रगल, और यशराज में घुसना मतलब सपना ही होता था, मतलब उस गेट के अंदर भी घुसना। तो उसने बोला यार चल मुझे एक चेक कलेक्ट करना है, तो मैं जा रहा हूँ यशराज में, तो मैं बोला ठीक है चलते हैं साथ में। तो मैं गया वहाँ पे, तो बोला तू भी अंदर आजा, तू देख लेगा, यशराज के अंदर बहुत बढ़िया कैफे है, वहाँ पे कॉफी बड़ी अच्छी मिलती है। nice. तो उसने बोला चल वहाँ जाके आज कॉफी पीते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं बाहर खड़े होकर चाय पीऊंगा, जब बुलाएंगे तब जाऊंगा यार, ऐसे क्या बात है। उसका ही खान। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। भाई आप टपरी पे खड़े हो तो एक्टर बन गए, जो बैठा है वो तो प्रोड्यूसर बन गया होगा। किसी ने रिप्लाई किया है, जो फोटो खींच रहा है वो संजय लीला बंसाली है। नाइस, वेरी नाइस। और दिखाइए। सिद्धांत भाई अब तो बड़े आदमी हो गए, अब तो मेरा उधार चुका दो टपरी वाला। इसी टपरी पे मेरा 700 का उधार है, इस चक्कर में मैंने तो यशराज में स्ट्रगल करना छोड़ दिया है, अगर यशराज वाले ये 700 रुपया चुका दें तो मैं उनके यहाँ स्ट्रगल करने को तैयार हूँ। देखो शर्त रखी है बंदे ने कि मैं तैयार हूँ स्ट्रगल करने को। वाह भाई। और दिखाइए। ए वेरी अमेरिकन सैटरडे है, बोले अमेरिकन सैटरडे। एक्चुअली ये जब मैं विकी अमेरिका में गई, वो काफी मतलब हमारे हनीमून की जैसे एक्चुअली। ओके, तो उस टाइम से ये है, ये बोलिन है, एक बोलिन आली है, आपको पता है बोलिन क्या है? यहाँ पे यहाँ भी करते हैं। हमारे तो मिट्टी में करते थे कंचे, ये वही है, उसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। कितने कंचे वही है देखा जाए तो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम तरबूज को फेंके नहीं, इसे तोड़कर पिए, गर्मी में अच्छा होता है।
लगता है इन्हें खेलने की बड़ी जल्दी थी, दो अलग अलग जूते पहन के आ गई। और दिखाइए कमेंट। बस खत्म हो गए। बादब बा मुलायजा होशियार जिल्ले इलाही बादशाह अकबर और शहजादे सलीम पधार रहे हैं। भाई बरखुरदार आप यहाँ आइए, आपका ये अंदाजे बयान देख कर ये जो आपने ऐलान किया है हमें बड़ी खुशी हुई है, हम आपको कुछ देना चाहेंगे। शहजादे चाकू निकालिए। ये रखिए, अब ये किसी को भी दिखाकर आपको जितने पैसे चाहिए आप ले सकते हैं। अच्छा तो फिर चलिए निकालिए। हाँ यही यही तरीका सही है, ऐसे यही तरीका नहीं, निकालिए, ये सब नहीं चलेगा, निकाल। अब्बा हुजूर आपको शर्म नहीं आती, एक अदना से सिपाही से आप फंस गए। नहीं नहीं हम फंसे नहीं है, ये तो हम इनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। कि भाई अगर हम राजा हैं हम नहीं देंगे तो हमारी प्रजा कैसे देगी। गुड गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी नाइस। आगे जाके प्रजा से भी ऐसे ही पैसे लीजिए, आप जाइए। थैंक यू महाराज, थैंक यू। जाइए तो सी। आदाब आदाब हुजूर, आदाब 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 हुजूर, क्या बात है। मुझे तो बात कैटरीना कैफ को देखकर दिल खुश हो गया। सेम हियर। आपसे पूछा भाई, ओहो मठ की राजकुमारी भी यहाँ पर मौजूद है, अर्चना। अरे भाई मठ की राजकुमारी अर्चना, आजकल हमारी रियासत में आप आती नहीं है। हाँ। अगर ये नहीं आती तो वर्सोवा से बोट पकड़कर आप तो जा सकते हैं। हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, क्या मठ के राजा के साथ हमारा मठभेड़ चल रहा है। You see what I did there? मठभेड़। ह्यूमर में हम काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अब हुजूर मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। कटरीना जी आई हुई है। आई तो हुई है। और आज जाना मौद्दिबाना दस बरता गुजारिश है, शिद्दत जज्बात की तमाम तर ऊंचाइयों गहराइयों में खोकर हमतन हमतन गोश होना चाहती है, हमकिनार होना चाहती। बहुत खूब, अब यही बात मुंह से चुंगम निकाल कर कहिए। अब हुजूर सुनिए, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, बराए मेहरबानी सुमणी में कल्टी हो जाइए। हम कटरीना जी से बात करना चाहते हैं। भाई तो हम बात क्यों नहीं कर सकते, हमारा कौन सा 1.5 GB का डेटा खत्म हो गया है। भाई कटरीना जी आपको हमें इतला करनी चाहिए थी कि आप आ रही हैं, हमें पता होता तो शाही सवारी भेजते हम आपके लिए। शाही सवारी, ये खुद बस में लटक के आ रहे हैं। और ये घाघरे वाली ड्रेस का गलत फायदा उठा के लेडी सीट में बैठ कर आ रहे हैं। और जब कंडक्टर ने इनसे पूछा कहाँ तक जाना है तो जनाना आवाज निकाल के बोलते गोरेगांव। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बस कीजिए, बस नहीं मेट्रो कीजिए, पी कार्स में जल्दी पहुंचाता है। कटरीना जी बस क्या कहें आपसे, ओ आप क्या अदाकारा हैं, वाह 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 वाह, क्या डांस करती हैं आप, वाह 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 वाह। कभी हमारे लाल किले पे आइए, आपके डांस का प्रोग्राम रखेंगे। आपने इनके शौहर विक्की कौशल को नहीं देखा, वो आपका किला लाल कर देंगे। फिर रहने देते हैं, वही किला लाल क्यों करवाया। आप आइए, डांस आप मत कीजिएगा, हम डांस कर लेंगे। नहीं नहीं हम मजाक नहीं कर रहे हैं, घुंघरू पहन के जब हम नाचते हैं, ओहो बड़ी बड़ी नर्तकियां हम पे पैसे उड़ाती हैं। हाँ बस यही छपरी आदत तो की वजह से पूरे मोहल्ले में बदनाम है। ये महीने में 29 दिन नर्तकियों का डांस देकर पैसा लुटाते हैं। हाँ। और एक दिन खुद नाच के पूरा पैसा वापस ले लेते हैं। क्या पर्सनल बातें यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, आप अपना बेटा कहते हुए हमें शर्म आती है। ठीक है चाचा बोल दो, चाचा ताया फूफा मुमानू कुछ भी बोल दो, जो बोलना है बोल दो, अकबर भाई वांदा नहीं है। वांदा नहीं है बोल, वांदा कैसी भाषा बोल रहे हैं ये, भूल गए आप जब अभी इतने से थे। थोड़ा बड़ा कीजिए। ठीक है जब इतने से थे।
तो आप इतने से थे, हमारी गोद में सुसु किया करते थे आप। हाँ तो इतने से में गोद में सुसु होगा। ईशान जी आप सुनिए, हैं? आपने कौन सा फिल्टर कॉफी किया था? वो सबने गोद में सुसु किया हो भाई। वो तो है। और अब्बा हुजूर आप भूल गए हैं, जब आप बीमार थे तो मुसलसल 10 दिन तक लगातार आपकी सेवा की है हमने। पहले दिन डॉक्टर को बुला लेते ना, 9 दिन हमारे बर्बाद नहीं होते। मुसलसल सेवा की है। आई एम सॉरी अब्बा, जरूरत ही नहीं है, आप तो सीखने की जरूरत है, कुछ ईशान खट्टर से सीखिए। ठीक है कटरीना जी, चलो भाग चलते हैं। अरे अपनी पहली फिल्म में हीरोइन को लेके भागे थे, वही सीख रहे हैं हम। यही सीखे आप, कुछ अच्छा सीखे, इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टार बने हैं ये। भाई भाई भी शाहिद कपूर को रखा है इन्होंने। और हमारा बैड लग है, हमने कीकू शारदा को अब्बा रखा हुआ है। आपको इस बात का इल्म है कि इस सल्तनत में आए हुए आपको जुम्मा जुम्मा 2 ही एपिसोड हुए? जरा सीनियर एक्टर से गुस्ताखी ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है कीकू हुजूर, अब्बा हुजूर। खैर ईशान जी, आपसे एक बात काफी अरसे से हम जानना चाह रहे थे। पूछिए। आप कभी खेती करेंगे तो आप ईशान खट्टर ही रहेंगे कि किसान खट्टर हो जाएंगे? ह्यूमर देख रहे हैं आप, हमारा ह्यूमर जो है बहुत ही हाई लेवल का है, फ्लो होता है बस, क्या बताएं। ये फ्लो नहीं है, ये बीरबल के साथ घूम घूम के बहुत ही छपरी जोक मारते हैं। बहुत ही नल्ले नल्ले सड़ेले जोक मारते हो अब्बा। देखिए सिद्धांत जी, आपकी वजह से बहुत नुकसान हो गया है जी। क्यों? हमारे नाना जी चल बसे हैं। इनकी वजह से क्यों? क्या बात है? असल में क्या हुआ कपिल जी, हम बताते हैं। एक बार हम और नाना जी शेर का शिकार करने के लिए जंगल में चले गए और वहां सचमुच शेर आ गया। मैंने कहा कि शेर आया शेर आया। नाना जी ने आपकी फिल्म देखी थी, वो नाचने लगे। लेकिन शेर ने आपकी फिल्म नहीं देखी थी, वो नाना जी को घसीट कर अपनी गली में लेकर गया। और फिर नाना हमेशा के लिए बॉय हो गए। बॉय बॉय हो गए। महाराज बधाई हो, आपको बच्चा हुआ है। मरहबा मरहबा मरहबा। अरे महाराज तो इधर खड़े, बच्चा कैसे हो गया? अरे नहीं, लेकिन ये जानकारी देने आप क्यों आए हैं? दासी क्यों नहीं आई? दासी का ही तो बच्चा हुआ है महाराज। बिमला 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 नहीं महाराज, कमला। बिमला का तो अगले महीना है। अच्छा बिमला का अगले महीना है। होता है होता है, हम बहुत खुश हैं। ये 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 लीजिए हमारी तरफ से। वैसे शहजादे हमें एक बात बताइए कि ये कुल मिलाकर हमारी औलादें हैं कितनी? वो आप मालाएं गिन लीजिए, पता चल जाएगा कितने छापे। वैसे कैटरीना जी, हमें पता चला इस फिल्म में आप भूत हैं, तो हमें बताइए कोई आपसे आशीर्वाद लेता होगा तो आप आशीर्वाद तो यही देती होंगी, दूधो नाओ भूतो फलो। आपके घर में कभी पार्टी होती है तो पार्टी को आप होस्ट करती हैं या गोस्ट करती हैं? बस हमारे जहन में आ रहा था, हमने कह दिया। वैसे आप लोग भूत उतारते हैं ना, हमारे साहबजादे को अपने साथ ले जाइए। अरे अब्बा हुजूर, हम जाके वहां करेंगे क्या? तो यहाँ पे भी आप कर क्या रहे हैं? कोई ले जाइए, अनारकली का भूत सवार है इनके सर में। इतने बड़े बड़े खत लिखते हैं अनारकली को, वो भी खून से। तो आपका क्या जाता, लिखने दो ना। नहीं नहीं, अपने खून से लिखे ना, फिर हमारे खून से क्यों लिखते हैं? देखिए अब्बा हुजूर, हम दिल की गहराइयों से आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम अनारकली को भूल जाएं ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। और अनारकली हमें भूल जाएं ऐसा होने नहीं देंगे मेरे भाई। हाय एक मिनट, इस डायलॉग के बाद कौन करेगा? ठीक है भाई। नहीं नहीं मजा नहीं आया। बहुत खूब बहुत खूब, ये हुई ना बात। किसी ने हमको सलाह ये भी दी थी कि इनके सर से अगर अनारकली का भूत उतारना है तो किसी काली भैंस को अनार खिलाना होगा। अब हम गए थे खिलाने के लिए, लेकिन भैंस ने हमको पूंछ मार दी। हाँ तो पीछे से खिलाएंगे तो पूंछ तो मारेगी ना। अरे हम खिला आगे से ही रहे थे, वो अचानक से ऐसे घूम गई तो हम क्या करें? हाँ भैंस को लगा होगा बछड़ा दूध पीने आया है, घूम गई हो सकता है। भाई हमें तो लगता है अनारकली का भूत इनके सर से तो उतरने वाला है नहीं। हमारे पास एक आइडिया है, एक इल्तजा करना चाहेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर इनके साथ हम सब मिलके कुछ जरा नृत्य कर लें, डांस कर लें,
तो हमें गारंटी है कि अनारकली का भूत उतर ही जाएगा. उसके बाद अगर आपका भूत चढ़ गया तो दैट्स नो प्रॉब्लम, ये ठीक रहेगा. अनारकली का भूत कम से कम एक बार उतर जाए तो एक डांस हो जाए. आइए 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 आप आइए 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 आइए. आपकी इजाजत हो आपकी किस्मत में कुछ कहना. अरे जरूर जरूर महाराज. अब स्वामी है अंतर्यामी है, दिलों के भेद जानते हैं, जेबों में छेद जानते हैं, बुद्धिमान है, आत्मसम्मान है, जीनत शक्तिमान है महाराज शक्तिमान. अब बाढ़ से निकला वो तीर है जिसकी कोई दिशा नहीं, अब मुंह से निकला वो शब्द है जिसकी कोई वजह नहीं, अब गीले में सूखे सूखे में गीला है महाराज. माशाल्लाह कुछ मिलेगा महाराज. अरे हाँ हाँ नहीं देना. ये देखिए ये ढाल है, इसमें चावल डाल लिए ढाल चावल हो जाएगा. महाराज गेट आउट. ओके ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद हमें जाना होगा. चलिए आइए आइए फिर मुलाकात हो. कैटरीना कुछ गृहणियों के सवाल है जो वो आपसे पूछना चाहती हैं, स्पेशली आपकी शादी को एक साल हो गया है. सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है. मेरी मम्मी, मेरा नाम कपिल है, कभी इन्होंने मुझे कपिल नहीं बोला, कपल कपल बोलती हैं. पंजाबी माओं का यही होता है, नाम बदल देती हैं, राजीव को राजीव. आपके ससुराल में आपको सब किस नाम से बुलाते हैं? किट्टू. किट्टू 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 किट्टू. कितना मजा आया सुन के. वाओ. अजमेर से प्रीति जी पूछ रही हैं, कैटरीना लड़कियों को सरप्राइज बहुत पसंद होते हैं, तो विक्की आपको सरप्राइज देते हैं? ज्यादा नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू टीच हिम. ऐसे मतलब एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट चाहिए, दिवाली पे कुछ गिफ्ट, क्रिसमस पे कुछ गिफ्ट, न्यू ईयर पे कुछ गिफ्ट. अभी स्लोली स्लोली. ओके. सूरत से मनोरमा जी लिखती हैं, कैटरीना आप तो पांच बहने हैं. पांच नहीं, सात बहने हैं. सात मनोरमा जी. तुझे पूरी गिनती है. इन्होंने लिखा है कि आप तो पांच बहने हैं, तो जूता चुराई की रस्म हुई थी या विक्की मंडप तक बिना जूतों के आए थे? यू नो ना जूता चुराने की रस्म होती है. मतलब बहुत बड़ी लड़ाई हुई उस मतलब. रियली? हां बहुत बड़ी. मेरे पीछे मैंने इतनी आवाज इतनी जा 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 मैंने देखा, मोड़ के देखा क्या हो रहा है. ये इजाबेल और आई थिंक विक्की के दो तीन दोस्त थे ऐसे, मतलब जूतों ऐसे ऐसे. बोले ये क्या है? तो जीता कौन? एक्चुअली मैंने पूछा नहीं. मैं खुद की शादी में इतनी बिजी थी. इतनी बिजी थी नहीं पूछा नहीं. और दोस्त बड़े कमीने होते हैं, रस्म में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होना. तो कैटरीना की बहनों को देख के आ गए, अरे चल चलो उनको पता ना लड़कों का. हमारे जो दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी शक्ति मिले जैसे आपने ट्रेलर में देखा कि कैटरीना जो है भूत बन के किसी और की बॉडी में प्रवेश कर जाती, आपको अगर ये पावर मिले आप क्या करना चाहेंगे, किसके शरीर में घुसना चाहेंगे और क्यों? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? कौन है? मैडम को माइक दीजिए. हाय सो हाय मैम. हाय हेलो. आपने जैसे बोला कि किसके बॉडी में जाना है और परेशान करना है जी. तो मैम मैं आपके बॉडी में जाना चाहूंगी, कैटरीना मैम के बॉडी में जाना चाहूंगी. सो फर्स्टली बिकॉज मैं विक्की सर को बहुत परेशान करना चाहती हूँ. विक्की को परेशान करेंगी आप? क्यों? ही सच अ स्वीट बॉय, क्यों परेशान करना चाहेंगी आप? क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे उन्हें हक करना है, तो सबसे पहले वो करूंगी, कस के गले लगाऊंगी उन्हें. मुझे पता था ये आने वाली. और फिर मैंने कहीं से तो सुना है कि विक्की सर को उनके बाल या उनकी दाढ़ी को कोई टच करे तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद. ये तो पूरी रिसर्च करके आई हैं आप. अच्छा फिर तो मैं तो जी भर के उनके बाल को बाल को बिखेरूंगी और उनके दाढ़ी. थोड़ा ज्यादा नहीं है? एक पत्नी के सामने जब उसके पति के शरीर से घुस के उसके साथ छेड़छाड़ की बात हुई तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ. आगे जानने के लिए पूरा एपिसोड देखें. सॉरी मैम. वैसे भी अर्चना जी, मुझे विक्की की कर्ल्स जो है ना, कर्ली बाल, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद. कर्ली मेरे भी हैं. मेरे भी. She said विक्की के कर्ली बाल. विक्की के कर्ली बाल के बारे में हम बात करें अभी इस वक्त. आपकी नहीं, सॉरी. डोंट माइंड. कहाँ से हैं आप? Well, मैं मुंबई मुलुंड से हूँ. अच्छा जी, आपको विक्की से आप इसी शो में मिलवा देंगे, आप आइएगा कभी. नहीं नहीं. आपके नाम क्या है? भूमि चुरला. अच्छा तो भूमि जी, विक्की तो आप गले नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपके गले लगा सकती हूँ.
So sweet. विक्की को तो हमें भी गले लगना था वैसे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और कोई हमारे मित्र? जी महिलाएं आगे आ रही हैं, देखिए आप। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो आप? हाय एवरीवन। हाय, हमारे पहला जवाब तो ले लो, हम ठीक हैं, अब पूछिए। यस आई एम वेरी फाइन। माय नेम इज दीप्ति एंड आई एम फ्रॉम सूरत। ओके, अगर मुझे मौका मिला कि मुझे किसी के शरीर में जाना है तो मैं अपने हस्बैंड की बॉडी में जाऊंगी। बिकॉज कि वो आए हैं साथ में आए हैं। अच्छा, क्या सर, बहुत बहुत स्वागत है। बिकॉज कि वो रात को सोते हैं ना तो बहुत ज्यादा जोर से खराटे लेते हैं और उसको जितना भी उठाऊं वो अपनी मस्ती में सोते रहते हैं। कभी कभी तो मैं 2-3 बार लात भी जोर से मार। फिर भी वो सोते ही रहते हैं, फिर लास्ट में मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसकी बॉडी में जाऊंगी और सबसे पहले उसे अपने बेडरूम में से निकालूंगी और रात को पूरे घर का काम करवाऊंगी। है बेचारे, दिन में भी करे रात में भी काम करे वो। भाई साहब कैसे हैं आप? हेलो सर। क्या हाल है सर? आप बहुत खराटे लेते हैं आप? सर मेरे को, मैं तो खराटे बिल्कुल नहीं ले रहा, झूठ बोल रही है अभी, क्योंकि मेरे से पहले तो वो सो जाती है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा मैं खराटा लेता हूँ? देखिए आपका केस इतना पेचीदा है नहीं। मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि आप इनकी बॉडी में अगर जाएंगी तो आप रात भर इनसे घर का काम करवाएंगी, पर आत्मा तो आपकी होगी ना, घर का काम आप ही कर रही होंगी। जब वो काम करेंगे ना तो मैं उनकी बॉडी में से निकल जाऊंगी ना। ये तरकीबें हमें भी सीखनी चाहिए। भाई साहब काम क्या करते हैं आप? मैं सूरत में टेक्सटाइल का काम करता हूँ। टेक्सटाइल का, और आज स्पेशली मुंबई आए हैं? मुंबई आपका शो देखने आए हैं। स्पेशली शो देखने आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया मैम। और कोई हमारे दोस्त? आया पहला आदमी जो अपना विचार व्यक्त करेगा। हेलो ब्रदर। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। हेलो कैटरीना मैम। मेरा सवाल ये है कि ईशान और सिद्धांत ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेलो सिद्धांत सर। हेलो सर, मेरा दीपक गागड़े नाम है, फ्रॉम मेरठ। अच्छा जी। हाँ जी। और क्या करते क्या आप दीपक? मैं स्टूडेंट हूँ, अब यहाँ पर बम्बई अपना काम स्टार्ट करा, बिजनेस टिफिन का, टिफिन। अच्छा, अभी आपने स्टूडेंट भी बोला ना, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं सर, स्टूडेंट रह चुका हूँ यहीं आकर। वो तो कहीं ना कहीं तो कब तो रहे ही होंगे। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं मैं अभी बच्चा रह चुका हूँ। अब मैं बड़ा हो गया। सर ने जैसे पूछा आपको, अगर किसी की शरीर में जाने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले इमरान हाशमी के शरीर में जाना चाहूंगा। इमरान हाशमी क्यों? क्योंकि उस बंदे की जिंदगी में इतना रोमांस है कि मुझे जेलिसी यानी कि जलन फील होती है। उस बंदे की जिंदगी में इतना रोमांस। अच्छा, तो आपको उनसे जलन है? किस बात की जलन है? इनसे कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाती है, और मैं इतना तगड़ा लंबा हो गया भी आज तक एक लड़की इम्प्रेस नहीं हुई। तो इनकी जो भी मूवी में सीन, किसी सीन आएंगे मैं उनके अंदर बढ़कर उन किसी सीनों को बिगाड़ना चाहूंगा। कैसे? इनके अंदर जाकर। किन के अंदर जाकर? आपको भी तो उतना ही मजा आएगा ना। जैसे मान लो मैं इमरान हाशमी हूँ, ये हीरोइन है, और हम कुछ रोमांटिक सीन कर लगे। एक मिनट सर, क्या करेंगे आप? और भी लोग सर, बॉडी तो उनकी होगी ना? बॉडी तो उनकी होगी, तो सर बिगाड़ूंगा। तो आपकी आत्मा को क्या संतुष्टि मिलेगी इस बात से? यस सर। धन्यवाद, शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, जैसे ये फिल्म भूतों के ऊपर है और ये बोल भी रहे हैं कि हम लोगों को हंसाने के लिए फिल्म बनाई है, कॉमेडी फिल्म है, हॉरर कॉमेडी है, कुछ लोग मानते भी हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये वहम होता है मन का, आप अपने विचार पेश करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी मेरा भाई बंधु इस बारे में कोई। जी मैडम। हाय सर। हेलो, कैसे हैं आप? Myself कश्मीरा, आई एम फ्रॉम सूरत। कश्मीर सूरत। मैं भी सूरत से ही हूँ। क्या आज सूरत से लोग कैसे आ रहे हैं सर? आज देखने के लिए सूरत से है ना? ऐसा है कि यहाँ खूबसूरत और वहाँ सब सूरत। आपने बोला ना, पूछा के मानते हो? हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे आंखों के सामने हुआ है। आपने कभी सुना है कि गांव में वीरान से जगह पे एक लेडी रेड साड़ी पहन के इत्र लगा के जाती है? मेरी फ्रेंड की सास को वही हुआ, एक साथ में 7 चुड़ैल उसके अंदर घुस गए। 7 चुड़ैल और बहुत ही डरावना वो वाकया था। हर रोज वो 7 चुड़ैल के वो वॉइस निकालती थी, रात को जो भी मिलता उसे पीटती थी और इतना खाना खाती थी, हमारे घर का तो ठीक आजू बाजू वाले घर का भी खाना खा लेते थे। वो सास को पहले खाना नहीं पूछते होगे, वो फिर गुस्से में उसने बहाना बनाया। वो चूड़ैल मांग रही थी।
तो क्या वियर्ड बिहेव करती थी वो? अरे वियर्ड, पूरा चिल्लाती थी, अलग अलग सात लेडीज के अलग अलग आवाज निकालती थी, पूरा दूर दूर तक उसकी आवाज आती थी। अभी तक, अभी तो सब हो गया, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है। कभी कभी रात को वो याद आता है ना, तो नींद से जग जाती हूँ। आप किसके साथ आई है? ये मेरे हस्बैंड। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? वाह जी वाह, क्या बात है, क्या मैचिंग आप दोनों की ड्रेस है। थैंक यू, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आपके पति भी सूरत से हैं? जोक, आज तो सूरत वालों ने मेला लूट लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हाय एवरीवन, मेरा नाम अनुष्का है। जी अनुष्का, कहाँ से आई अनुष्का आप? मैम मुंबई से। मुंबई से आई, कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने में? मुंबई से। You're looking gorgeous today. Oh, thank you. No, Kapil sir. मेरी तारीफ की किसी ने? पिस्ता खाओगी? मैं काजू खाओ? Seriously, आप? मेरी तारीफ आज तक किसी ने की नहीं? मुझे लगता है लड़कियों को गॉर्जियस बोलते हैं, लड़कों को भी बोल सकते हैं? नहीं, हाँ, हैं? ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, बट एक्चुअली बोल सकते हैं। नाउडेज इट्स ऑल द गॉर्जियस शर्मा शो। ओह थैंक्स अनुष्का। मेरी ख्वाहिश थी सिड सर से, लाइक हाय सिड सर, आई एम योर बिग 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 फैन। हाय, सो आई फॉलो यू फ्रॉम गली बॉय। सर क्यों बोल रही हैं लेकिन आप? गॉर्जियस बोली। यू आर गॉर्जियस, यू आर मोर गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। आप एक्टर तो बहुत ही कमाल के हैं, और आप पोएट्री और रैप भी बहुत अच्छा करते हो, तो क्या आप मेरे लिए एक रैप गा सकते हैं प्लीज? रैप तो बहुत लोगों ने सुना होगा मुझे करते हुए, मैं आपके लिए शायरी गा देता हूं। ओए हां चलेगा। आप पर खुद की लिखी हुई? जी जी, ये लिखते बहुत अच्छा है। आई आई आई, वाह वाह चतुर्वेदी साहब, अभी आप कह रहे हैं मैं सिंगल हूँ। तो ये सब जो लाइनें निकल रही हैं, इसी में निकलती हैं। और कोई हमारे मित्र? हाय एवरीवन, हेलो कपिल। हेलो। हाय, आई एम सिंपल फ्रॉम मुंबई। दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, मुझे लगा आप अपना स्वभाव बता रहे हैं कि आई एम सिंपल। नाम है आपका? आई एम आल्सो वेरी सिंपल। जी सिंपल जी, बट माय नेम इज सिंपल। अच्छा, ओह वाओ, माय नेचर इज सिंपल। मुझे एक चैलेंज मिला था मेरी बेटी से। बेटी 20 साल की है। हैं? Yes. वाह यार, क्या बात है। 10 ईयर बिफोर मुझे एक चैलेंज मिला था कि मम्मी आप लिखते हो, दो लाइन कपिल भाई के लिए लिखो। अच्छा जी, तो मैं आपका चैलेंज मानती हूँ। नहीं तो लिखना चैलेंज क्यों हो गया? चैलेंज लिख करके आपके सामने वहाँ आकर के बोलना चैलेंज था। 10 साल से ये चैलेंज लेके घूम रही हूँ। हाँ जी, प्लीज प्लीज आइए आप। इंग्लिश में कला को आर्ट कहते हैं, आप जैसे बंदे को स्मार्ट कहते हैं। वाह शुक्रिया। गा सकूं मैं आप सा, गा सकूं मैं आप सा वो साज कहां से लाऊं, और कर सकूं मैं आप सा वो अंदाज कहां से लाऊं। हाय हाय, वाह शुक्रिया। यो तो चांद तारों की तारीफ कर लिया करते हैं लोग, पर कपिल भाई की कॉमेडी के लिए वो अल्फाज कहां से लाऊं। थैंक यू, थैंक यू भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। हेलो। यस ब्रदर। मेरा नाम अनुज सिंह है सर, मैं गाजवाद से आया हूं। सर आपके लिए मैंने पेंटिंग बनाई है और आपको गिफ्ट करना चाहता हूं। थैंक यू ब्रदर, कहां है? हाउ स्वीट, वाओ, ओह ब्यूटीफुल। अरे Very beautiful. Thank you, brother. Thank you so much. So sweet. Katrina, Ishan, Siddhan, thank you so much for coming. Thank you, दोस्तों, आप सबकी मोहब्बत के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।